सभी स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड प्यारे मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया है अपने भागड़ुआ SBK ये YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो ये चैनल मिलेगा। इस चैनल में कंपटीशन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं, मटेरियल है, प्लस में टेस्ट सीरीज है, वो आपको अवेलेबल होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि अब जो आज का जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान के प्रजामंडल को लेकर रहे, कितने प्रजामंडल थे, प्रजामंडल की राजस्थान में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था कि प्रजामंडल अपनाने जरूरी हो गए, प्लस के अंदर राजस्थान में टोटल कितने प्रजामंडल हैं, और उन प्रजामंडल की स्थापना के बाद कौन कौन से हमारे से क्वेश्चन पूछे गए, आज तक पीछे के जो भी एग्जाम है प्रजामंडल से संबंधित, जो भी राजस्थान का एग्जाम होता है प्रजामंडल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रजामंडल में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उसकी भी बात करेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक हमारा जिस पर बेसिड है, जिस पर फिक्स रहेगा, तीन कंपटीशन के एग्जाम अभी होने वाले हैं, जिसमें से एक है राजस्थान पटवार, जिसकी डेट फिक्स हो चुकी है 28 फरवरी को एग्जाम होने वाले राजस्थान पटवार का। एक एग्जाम है हमारा राजस्थान पुलिस, इसके अलावा एक एग्जाम 2020-21 RAS, 2020-21 RAS, इन तीनों के लिए राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, RAS 2020-21, उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राजस्थान प्रजामंडल। अब देखिए, राजस्थान प्रजामंडल की भूमिका को अदा करते हैं कि कहां से शुरू होता है राजस्थान प्रजामंडल, और पहली बार कौन से अधिवेशन में ऐसे प्रजामंडल जैसा शब्द का उल्लेख किया गया, उसकी भी बात करेंगे। पहले प्राचीन काल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, स्वतंत्रता से पहले तो राजस्थान के अंदर, मतलब पूरे इंडिया में राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा जैसा काम करता था, प्रजा को उसी के अनुसार काम करना पड़ता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए कि राजस्थान के अंदर एक वर्ड बोला जाता था जिसे आज अपने राजस्थान के जिला दर्शन कहते हैं, वैसा ही राजस्थान के अंदर एक वर्ड हुआ करता था रियासतें। रियासतें जैसा एक वर्ड राजस्थान में बोला जाता, जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे उसमें भी रियासतों का भी पता चलेगा कि राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी। तो रियासतों जैसा वर्ड चलता था, उन रियासतों से संबंधित उस क्षेत्र का, जैसे राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे, मेवाड़ अलग था, मारवाड़ क्षेत्र अलग था, हाड़ोती अलग था, ढूंढाड़ अलग था, सेकाउटी क्षेत्र अलग, जिस तरह से राजस्थान के जितने भी कंबाइन एरिया है उनका नेतृत्व करने के लिए, उन क्षेत्रों को संभालने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। उसी व्यक्ति की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के अंदर महसूस किया गया कि कोई भी कंबाइन क्षेत्र है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, एक पूरी बैठक होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एक पूरा अध्यक्ष टाइप एक व्यक्ति उसका नेतृत्व कर सके, जो भी अंग्रेज सरकार की कोई नई नीति है तो उसको क्योंकि पहले ये कंफ्यूजन हुआ करती थी, अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेज ज़्यादातर बहुत सारे नियम लागू कर देते, आम जनता को तो ये नहीं पता होता था इस नियम में है क्या, हमें क्या करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए या अपनाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी मुसीबत लोगों के सामने थी।
इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बार मद्रास अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1927 के अंदर। सबसे पहली बार प्रजामंडल जैसा वर्ल्ड 1927 में भी नहीं आया। राजस्थान के अंदर अगर बात करूं मैं तो मद्रास अधिवेशन 1927, इसके अंदर 1927 जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था इसमें दो वर्ल्ड को अपनाया गया। एक राज्य प्रतिनिधि संस्थाएं, एक वर्ल्ड था राज्य की प्रतिनिधि संस्थाएं, और इसी का ही दूसरा नाम लिया गया उत्तरदायी शासन व्यवस्था। नाम से पता चल रहा है कि मद्रास अधिवेशन 1927 में पहली बार राज्य प्रतिनिधि संस्थाएं, मतलब राज्य की वो संस्थाएं जो किसी क्षेत्र विशेष का क्या कर सकती है, प्रतिनिधित्व कर सकती है, और वो मंडल जो अपनी जनता का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था और प्लस के अंदर उसके अंदर एक अध्यक्ष, एक उसका संस्थापक, अलग एक कमेटी बनाई जाती थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था दूसरा इसका नाम रखा गया था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का जैसे मतलब समझे कि प्रजामंडल से पहले कि राजा का बेटा राजा बनता था और राजतंत्रीय व्यवस्था में लिया जाता उसको, इसी तरह से उत्तरदायी शासन व्यवस्था कि इस प्रजा का उत्तरदायित्व करने के लिए इस प्रजा के कौन से कारोबार है, कौन से कार्य या प्रजा की जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए इनका उत्तर नेतृत्व करने के लिए इनका नाम क्या रखा गया, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसके अलावा देखें एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, शायद आपको याद हो 1938 में, इसमें सबसे पहली बार प्रजामंडल जैसा वर्ल्ड का उल्लेख किया गया। 1938 के अंदर प्रजामंडल जैसा शब्द का उल्लेख जो है वो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया। हरिपुरा जो स्थान है हरिपुरा, वो वर्तमान में गुजरात में है। हरिपुरा जो है वर्तमान में गुजरात के अंदर है और हरिपुरा कांग्रेस का 51वां संविधान संशोधन था। हरिपुरा जो अधिवेशन था वो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हमारे सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक उड़ीसा के अंदर हुआ है और बहुत ही फेमस इनकी लाइनें भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है। इस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, 51वां संविधान संशोधन था, 1938 के अंदर पहली बार प्रजामंडल जैसा वर्ल्ड, राजस्थान की अगर बात करें तो प्रजामंडल जैसा जो वर्ल्ड है वो हमारे सामने आता है 1938 के। अब देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर कुल 20 प्रजामंडल थे। राजस्थान के अंदर टोटल 20 प्रजामंडल है और 20 प्रजामंडल में से अगर बात करें तो 4 प्रजामंडल वो है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, 16 प्रजामंडल वो है जिनकी स्थापना राजस्थान के अंदर हुई है। तो हमें 16 याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें 4 याद हो जाते हैं तो 16 अपने आप ही पीछे से रह जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के बाहर जिन प्रजामंडलों की स्थापना की गई वो कौन से प्रजामंडल थे, जिनकी स्थापना राजस्थान के अंदर नहीं हुई, राजस्थान से क्या हुई है, बाहर हुई है। तो पहला प्रजामंडल है हमारा बीकानेर, जिसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। बीकानेर प्रजामंडल, और इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है कोलकाता के अंदर। दूसरा है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है मुंबई में। आजकल हम बंबई बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, पहले इसका नाम सबसे पहले बम्बे हुआ करता था, बम्बे से बम्बई बना और मुंबई से बिगड़ता हुआ रूप क्या बन गया, मुंबई बन गया। इसी तरह से जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश यूपी में हुई। अब देखो यहीं से हमसे क्वेश्चन, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
ऐसे चार प्रजामंडल आपको दिए होंगे, इन चारों में से अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि निम्न में से राजस्थान का वो प्रजामंडल कौन सा है जिसकी प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाहर नहीं हुई है, तो गौर से देखें तो जैसलमेर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है, जोधपुर में हुई है। तो ये प्रजामंडल राजस्थान के बाहर नहीं है, राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना की गई है, जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में। अब आप कहेंगे फिर यहाँ डालने का मतलब क्या था, मतलब यही था कि अगर प्रतापगढ़ प्रजामंडल है तो उसकी स्थापना प्रतापगढ़ में हुई, मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना मेवाड़ में हुई है, लेकिन इसकी स्थापना दूसरी जगह हुई है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से हमारे से पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के अंदर हुई है लेकिन उस क्षेत्र में नहीं हुई है, तो वो भी प्रजामंडल कौन सा है, जैसलमेर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जोधपुर में हुई है, जैसलमेर के अंदर नहीं हुई है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से हमने को ध्यान रखने हैं, चार प्रजामंडल है, तीन की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, एक प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना उस क्षेत्र में नहीं हुई है, क्षेत्र से क्या हुई है बाहर, लेकिन है वो किसका, राजस्थान का ही है। तो मैं आशा करता हूं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये काम होने के बाद अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल थे और कब से प्रजामंडल प्रक्रिया शुरू हुई और कहां जाके एंडिंग, कितने साल लगे प्रजामंडल बनाने। अब देखिए अगर बात करें हम प्रजामंडल की स्थापना की तो टाइम पीरियड है 1931 से लेकर, ये सारे प्रजामंडल का टाइम पीरियड है 1946 से लेकर 1946 तक। 1931 में राजस्थान में प्रजामंडल प्रक्रिया शुरू होती है और दो प्रजामंडल, एक जयपुर दूसरा बूंदी, ये दोनों प्रजामंडल 1931 में बनाए जाते, जयपुर प्रजामंडल बूंदी प्रजामंडल, जिसमें से जयपुर का जो संस्थापक माना जाता है, जयपुर का संस्थापक वो है कपूर चंद पाटनी, ये इसका संस्थापक था कपूरचंद पाटनी ने, कुछ टाइम पीरियड तक इसकी अध्यक्षता भी की थी, स्थापना की इसकी। इसके बाद एक इसमें बाद में रोल रहता है जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज को हम जानते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का जो पांचवा पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज को माना जाता है, और जमनालाल बजाज राजस्थान के वो एक मुख्य व्यक्तिता या व्यक्ति के रूप में आते हैं जो लगभग सभी जगह हमें देखने को मिलते हैं, प्रजामंडल हो चाहे आंदोलन हो, जयपुर के अंदर संस्थापक जो पहला प्रजामंडल है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है जिसकी स्थापना 1931 में होती है, संस्थापक कपूरचंद पाटनी, बाद में इसका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जमनालाल बजाज की, जिसे गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। अब देखिए आगे दूसरी बात है बूंदी की, बूंदी की स्थापना भी 1931 में होती है और इसके संस्थापक है कांतिलाल जैन। अब देखो कांतिलाल भी दो नाम आएंगे, 20 प्रजामंडल है टोटल, 20 प्रजामंडल में दो नाम आएंगे कांतिलाल, एक कांतिलाल जैन एक कांतिलाल चौथानी, जैन जो है वो बूंदी का और चौथानी है वो करौली, इस बात को भी थोड़ा ध्यान, कांतिलाल जैन जो है वो बूंदी प्रजामंडल। आखिरी कौन सा प्रजामंडल था, आखिरी प्रजामंडल था हमारा झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़
दुर्गों में विशेष तौर पर आता है कि ऐसा राजस्थान का वो दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ वो कौन सा दुर्ग है? झालावाड़ का दुर्ग। झालावाड़ जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है और इसी दुर्ग के अंदर सिद्ध